हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है नोटिफिकेशन ऑफ कैसे करें। फ्रेंड्स, मेरे पास है रियलमी का फ़ोन। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद आपका उस प्रकार से इंटरफेस आएगा और इसके बाद आपको यहाँ दिखेगा ये वाला ऑप्शन नोटिफिकेशन स्टेटस बार का। आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपका उस प्रकार से इंटरफेस आएगा और इसके बाद आपको यहीं पर दिखेगा नोटिफिकेशन आइकन, इस प्रकार से ऑप्शन। तो आपको यहाँ दिखता है मैनेजर नोटिफिकेशन, इस प्रकार से ऑफ करते हैं अगर ये वाला ऑफ करना है तो, और डिस्प्ले डाटा यूजेस इन नोटिफिकेशन ब्राउज़, इस प्रकार से ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से ऑन कर देते आपका ऑन हो जाएगा। एंड अगर आप मैनेजर नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे और यहाँ दिख जाएगा नोटिफिकेशन साउंड और इस प्रकार से लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से डू नॉट शो पे क्लिक करें तो आपको नोटिफिकेशन शो नहीं होगा एंड इसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं सभी ऐप का नोटिफिकेशन है। तो इस प्रकार से ऑफ करते हैं और इस प्रकार से ऑन करते हैं। और जैसे कि मैं एक नोटिफिकेशन ऑफ करना चाहूँगी वो है फ्रेंड्स, मैं करना चाहूँगी जैसे कि मुझे इसका ऑफ़ करना है नोटिफिकेशन, इस प्रकार से ऑफ़ हो जाएगा आपका। तो आपका ऑफ़ हो चुका है तो वो ऊपर जा चुका है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है वो ऑप्शन। इस प्रकार से ऑफ़ करते हैं और इस प्रकार से ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ऑफ़ कर देंगे तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन ऑफ़ कर सकते हैं किसी का भी। और अगर यहाँ पे नहीं है आपका ये वाला ऑप्शन आपके फ़ोन में तो आप इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ से भी आप कर सकते हैं ऐप मैनेजमेंट पर जाकर। आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपको ऐप लिस्ट पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर कोई भी ऐप लेंगे, चूज़ करेंगे यहाँ से कौन सा ऐप का आपको अनइंस्टॉल मतलब कि नोटिफिकेशन ऑफ़ करना है। जैसे कि मेरे को सर्विस वाला इसका नोटिफिकेशन ऑफ करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपको स्टोरेज यूजेस इन सब का ऑप्शन दिखता है। आप इस पर क्लिक करेंगे मैनेजर नोटिफिकेशन एंड इसके बाद आपको इस प्रकार से ऑफ कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इस प्रकार से ऑन करते हैं तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस प्रकार से ऑफ़ कर रही हूँ तो इसके बाद मैं ऑन करके रखूँगी इस वाले को, तो मैं इसको ऑफ़ करना चाहूँगी जैसे कि दूसरा करके दिखा देती हूँ। वापस नोटिफिकेशन मैनेजर पे जाएंगी एंड सॉरी फ्रेंड्स, इसको बैक करेंगी, फिर इसे बैक करेंगी। इनमें से मैं कोई और ऐप ले लेती हूँ और इनमें से जैसे कि ये वाला कर देती मैं। और इसके बाद आपको मैनेजर नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, इस प्रकार से नोटिफिकेशन ऑफ़ कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन ऑफ़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।